हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पायल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो अपने यूनिक बिजनेस मॉडल की वजह से काफी हेडलाइंस बना रहा है। ये कंपनी डिफेंस और ईवी व्हीकल्स के सेक्टर में काम करती है और रिसेंट डेवलपमेंट ने इसे स्टॉक मार्केट में काफी स्पॉटलाइट दिया है। इस वीडियो में इस कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल और फ्यूचर प्लान को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पर उससे पहले ऐसे अमेजिंग वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉक का नाम है निबे लिमिटेड। ये 2005 में इनकॉर्पोरेट की गई कंपनी है जो डिफेंस, ई व्हीकल्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। बात करें बिजनेस ओवरव्यू की, तो कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए कंपोनेंट्स का फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग मैचिंग करती है, साथ ही ई व्हीकल्स के कंपोनेंट्स का असेंबली भी करती है। ये स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट और R&D एडवांसमेंट भी ऑफर करती है, खासकर अपने ई व्हीकल्स डिविजन और BVM रिसर्च फाउंडेशन के लिए। बात करें रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो मैन्युफैक्चर गुड्स से 47% रेवेन्यू आता है, ट्रेडेड गुड्स से 25% और सेल्स ऑफ सर्विस से 28% रेवेन्यू आता है। बात करते हैं प्रोडक्ट प्रोफाइल की, तो निबे डिफेंस ब्रामोस मिसाइल्स MRSAM और पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए मोबाइल वेपन लॉन्चर के स्ट्रक्चर, सब असेंबली और असेंबलीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है। नवल एप्लीकेशन के लिए स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सिस्टम भी बनाती है और इलेक्ट्रॉनिक डिविजन सेंसर वायरिंग कंट्रोल सिस्टम और मिलिट्री सॉफ्टवेयर पर काम करती है। निबे लिमिटेड ई बाइसिकल, ई रिस्क शॉ बैटरीज मोटर्स, हाइब्रिड PCU, सोलर इंडक्शन कुकर और वाटर ट्रीटमेंट यूनिट के साथ डील करती है। हाइब्रिड PCU, EV सॉल्यूशंस, कंट्रोल पैनल्स, रस्ट मोबाइल हैंडसेट, लिथियम आयन और लिथियम ग्राफाइट बैटरीज डेवलप कर चुकी है। बात करते हैं दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक की, तो L&T से मॉड्यूलर ब्रिज स्ट्रक्चर और असेंबली के लिए 130 करोड़ रुपीज का परचेस ऑर्डर मिला है, और वही सब्सिडरी निबे डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड को 50 करोड़ के 4 और ऑर्डर मिले है एक लीडिंग इंफ्रा एंड डिफेंस कंपनी से, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे डायो यूनिट, जंक्शन बॉक्स, एम्पलीफायर यूनिट्स, DC यूनिट्स एक्सेट्रा के लिए है। तो कंपनी के पास अभी 150 करोड़ रुपीस की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। फिर 2024 में कंपनी ने पुणे प्लांट में नई प्रोडक्शन फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया है, जहां डाइवर्स मेटल की इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे फाइनेंशियल को समझते हैं, पर उससे पहले अगर आपको इसे स्टॉक का एनालिसिस खुद से करना सीखना है और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना है, तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस को जरूर ज्वाइन करो। इसके चार्ज है ओनली 550 रुपीज। उसमें हमने सीक्रेट टेक्निक और स्क्रीनर शेयर की है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस को सिर्फ 550 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप है 2764 करोड़। कंपनी का मार्केट कैप सिग्निफिकेंट है, जो इसके स्टेबल और स्टेब्लिश होने का संकेत देता है। ROCE है 19% और ROE है 18%। ROCE एंड ROE अच्छा है, ये दिखाता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टेड कैपिटल का इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे का इफिशियंटली यूज कर रही है। बात करें डेप्ट इक्विटी रेशियो की, तो 0.45 है। कंपनी पर मॉडरेट लेवल का डेप्ट है जो मैनेजेबल है। ये एक हेल्दी डेप्ट लेवल माना जाता है, क्योंकि एक से कम रेशियो का मतलब है कि कंपनी के पास डेप्ट का प्रेशर ज्यादा नहीं है। तो ये तो हो गई दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, तो स्टॉक का PE 96 है, जो कि हाई है, जो दिखाता है कि स्टॉक हाईली ओवरवैल्यू है। हाई PE रेशियो का मतलब हो सकता है कि स्टॉक प्राइस करंट अर्निंग के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की, तो वो -26% है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट -35% है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स एंड प्रॉफिट में शार्प डिक्लाइन हुआ है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर है। सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही घट रहे हैं, जो बिजनेस की स्लो ग्रोथ या परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम को दिखाते हैं। बात करते हैं दोस्तों की हाईलाइट की, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स 324% है और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 500% है। ये इंडिकेटर्स पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि ये पास के क्वार्टर से सेल्स और प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को दिखाते हैं, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर के फिगर देखकर लगता है कि रिसेंट परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। सो दोस्तों, इन कंक्लूजन निबे लिमिटेड में कुछ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, जैसे ROCE, ROE और मैनेजेबल डेप्ट, जो कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाते हैं, लेकिन करंट हाई PE रेशियो और डिक्लाइन क्वार्टर क्वार्टर सेल्स और प्रॉफिट के कारण स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते वक्त कॉशंस लेना जरूरी है। ओवरऑल ये स्टॉक ग्रोथ पोटेंशियल को रखता है, लेकिन वैल्यूएशन और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना भी जरूरी है। सो दोस्तों, आपको इस स्टॉक पर जरूर नजर रखनी चाहिए। क्या आपके पोर्टफोलियो में निवेश शेयर आप होल्ड करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम एज अ लर्निंग पर्पस आपके साथ ही एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।